दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स के ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन थी कि हम एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पॉसिबल ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ ही नए आने वाले राफेल F4 वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, जिसकी खूबियां बहुत ज़्यादा हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस नए वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी एयरफोर्स के लिए अभी तक कौन से नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं। हमारी एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं और 22 MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं और 12 Su-30MK एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं। इसके साथ ही हमारी एयरफोर्स के लिए 83 तेजस Mk-1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बहुत जल्द दे दिया जाएगा और इसके साथ ही बाकी बचे फाइनल ऑपरेशनल कन्फिग्रेशन वाले तेजस Mk-1 एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स को अगले 2 सालों में मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अगले 2 से 3 सालों में हमारी एयरफोर्स को 170 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। इनमें से 5 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट पहले ही हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुके हैं और बाकी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अभी बाकी है। और इसके साथ ही हमारे MiG-29 बाइसन जैसे पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर करना शुरू हो जाएंगे, जिनको हमारी तेजस Mk-1 एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेंगे। और अगर हम हमारे इंडिजनस फाइटर जेट प्रोग्राम्स को देखें तो तेजस Mk-1 ए फाइटर जेट की डील अभी साइन नहीं की गई है और तेजस Mk-2 और AMC जैसे फाइटर जेट्स भी अभी काफ़ी दूर हैं। इनके प्रोटोटाइप्स 2025 तक तैयार होंगे। तेजस Mk-2 एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2023-24 में आएगा और AMC फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप 2024-25 तक आएगा। यानी कि इन इंडिजनस फाइटर जेट के इंडक्शन में अभी काफ़ी टाइम है। इन्हीं इंडिजनस फाइटर जेट्स के आने तक इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम MMRCA 2.0 टेंडर करवा रहे थे, जिसमें हमने 114 फाइटर जेट्स खरीदने थे। लेकिन ये टेंडर पहले मीडियम वेट फाइटर जेट्स की कैटेगरी तक ही सीमित था, लेकिन बाद में F-15 और Su-35 जैसे हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर हो जाने के बाद इसे हैवी वेट फाइटर जेट्स की कैटेगरी को इंक्लूड करने के लिए इसमें बदलाव किया गया है। अब हैवी वेट एयरक्राफ्ट जैसे कि F-15 भी इस टेंडर में शामिल हो सकते हैं। अभी ये कहना सही नहीं होगा कि कौन सा फाइटर जेट इन 114 फाइटर जेट्स के टेंडर को जीतेगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की एवेल्युएशन और कॉस्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडियन एयरफोर्स किस एयरक्राफ्ट को चुनती है। और इसके साथ ही बदल रहे पॉलिटिकल सिनेरियो के कारण ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये डील हमारी स्ट्रेटजिक अलायंस को ध्यान में रखकर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के एडिशनल ऑर्डर्स दिए जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं और इसके साथ ही हमने स्पेशली इस एयरक्राफ्ट में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स भी कराई हैं। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के लिए हमने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में बना लिया है और अभी इसका एक नया वेरियंट राफेल F4 भी आ रहा है। राफेल F4 वेरिएंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि हमने एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स को इसके F4 वेरिएंट का इंतज़ार है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। ऐसी काफ़ी न्यूज़ आ चुकी हैं कि हमारे एडिशनल राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर F4 वेरिएंट के ही होंगे, तो चलिए राफेल के F4 वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट के 3 बेसिक टाइप्स बनाए जाते हैं। एक है सिंगल सीट राफेल C वेरिएंट, एक है 2-सीट राफेल B वेरिएंट जिसमें एडिशनल वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है जो कि स्ट्राइक और रिकन्सेंस मिशंस में मदद करता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का एक कैरियर बेस्ड सिंगल सीट राफेल M वेरिएंट है जिसमें एक अरेस्टर हुक है, एक रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर है और बडी टू बडिंग रिफ्यूलिंग पॉड कैपेबिलिटी है। और इसके साथ ही राफेल एयरक्राफ्ट को अलग अलग लेवल्स में इवॉल्व किया गया है। इसका सबसे पहला लेवल था F1 वेरिएंट, इसके बाद इसका F2 वेरिएंट आया जिसमें F1 वेरिएंट से कुछ इम्प्रूवमेंट थी, जिसके बाद F3 वेरिएंट आया और इसके बाद F3R वेरिएंट आया। हमने राफेल वेरिएंट के F3R वेरिएंट को खरीदा है। इसका एक F4 वेरिएंट नया आने वाला है जिसमें बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज होने वाली हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा देश एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट इसीलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि हमारा देश चाहता है कि राफेल का F4 वेरिएंट आ जाए और उसी के ही हम ऑर्डर दें। राफेल एयरक्राफ्ट का F4 वेरिएंट एडिशनल नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज के साथ आएगा और इसमें डाटा लॉजिस्टिक्स भी होंगे जैसे कि F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में होते हैं।
इन सभी कैपेबिलिटीज की मदद से राफेल एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड की बहुत अच्छी पिक्चर बना सकेंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर बना सकेंगे, जिसमें वो अपने सभी सेंसर से मिले डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, जो कि एक सिक्योर नेटवर्क के ऊपर होगा, और उसकी मदद से वो एक बैटलफील्ड पिक्चर बनाएंगे, जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसके साथ ही वो अपने डेटा को नई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना के साथ भी एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके साथ ही पायलट्स को ज़्यादा इम्प्रूव्ड हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस भी मिलेंगी, और उसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, उसमें ज़्यादा पावरफुल जैमर्स और नई थ्रेट लाइब्रेरीज मिलेंगी, जो कि इस एयरक्राफ्ट की नए थ्रेट्स को लेकर कैपेबिलिटीज को बढ़ा देंगी। इसके साथ ही डिसॉल्ट इसमें बिग डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के ऊपर काम कर रहा है, जिससे इस एयरक्राफ्ट के लिए एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि F-35 एयरक्राफ्ट के ALIS सिस्टम के जैसा ही होगा। ये सिस्टम इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम हमारे एयरक्राफ्ट की जो प्रिवेंटिव रिपेयर्स हैं उन्हें बहुत कम दाम में कर पाएंगे, यानी कि हम उन प्रॉब्लम्स को पहले ही ठीक कर पाएंगे और उनका पहले ही पता लगा पाएंगे जो कि हमारे एयरक्राफ्ट में आगे आ सकती हैं। ये सिस्टम उन सभी नई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा और हमें ऐसी कैपेबिलिटी देगा कि हम हमारे एयरक्राफ्ट में आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन्हें हम पहले ही रिपेयर कर लें। और इसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का RBE2 रडार है, उसके हम एयर टू ग्राउंड मोड को भी इम्प्रूव करने वाले हैं, और उसके साथ ही इसके M88 टर्बोफैन इंजन के डिजिटल कंप्यूटर्स को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। इसमें हम एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम लगाएंगे, जो कि इसके रिकनसेंस और टारगेटिंग पॉड को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसकी मदद से इसके टारगेटिंग पॉड और रिकनसेंस सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एनालाइज कर पाएंगे और पायलट को दिखा पाएंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में ज़्यादा नए वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें मीका शॉर्ट टू मीडियम रेंज ए टू एयर मिसाइल का एक इम्प्रूव्ड मॉडल लगाया जाएगा, जिसकी रेंज के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 49 माइल्स की होगी। मीका मिसाइल को बिना किसी टारगेट के ऊपर लॉक किए बिना ही लॉन्च किया जा सकता है, और उसके बाद इस मिसाइल को एक डाटा लिंक से रिमोटली गाइड किया जा सकता है, और उसके बाद इस मिसाइल में लगे इंफ्रारेड होमिंग सेंसर्स दूसरे एयरक्राफ्ट से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक कर उसे एंगेज कर पाएंगे। इसमें एक AES रडार सीकर भी लगा होगा, और ये मिसाइल अपने AES रडार सीकर और अपने इंफ्रारेड सीकर दोनों को इस्तेमाल कर पाएगी, और इसमें एक वेक्टर थ्रस्ट मोटर भी होगी, जिससे ये मिसाइल बहुत तरह के टाइट मनूवर्स कर पाएगी। मीका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में नए इंफ्रारेड मैट्रिक्स सेंसर्स लगाए जाएंगे, जो कि इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, और ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इसके साथ ही ये मिसाइल लंबी दूरी की रेंज के लिए एडिशनल फ्यूल कैरी कर पाएगी, और इसके साथ ही इसके इंटरनल सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। इसमें ड्यूल पल्स मोटर लगाई जाएगी, जिसकी मदद से ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेस में भी एनर्जी मेंटेन कर पाएगी, और इसका नो एस्केप जोन भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट मीटियोर मिसाइल तो कैरी करते ही हैं, जो कि F4 वेरिएंट भी कैरी करेगा, और इसके साथ ही इस नए वेरिएंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये नए AASM हैमर सिस्टम को भी कैरी करेगा, जो कि एक गाइडेंस किट है, जो कि अमेरिका के JDAM बॉम्ब जैसी ही है। ये सिस्टम GPS लेज़र या इंफ्रारेड गाइडेंस के इस्तेमाल से प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सकता है। हैमर सिस्टम में एक रॉकेट मोटर भी लगी होती है, जिसकी मदद से ये सिस्टम बहुत लंबी दूरी तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा, और इसमें फ्रेंच स्काल्प EG स्टेल्थी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की फ्यूचर अपग्रेड्स को कैरी करने के लिए भी मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इसके साथ ही इसमें सुपरसोनिक ASMPA क्रूज मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी, जो कि एक 300 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर पाएगी। ये मिसाइल फ्रांस की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसके बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि यह 300 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है, और इसके बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इसका ASMPA क्रूज मिसाइल वेरिएंट है वो 500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये भी एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही इस मिसाइल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस ने एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें एक नई AS4NG वेरिएंट को बनाया जाएगा, जो कि ASMPA मिसाइल का एक नया हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा, जिससे इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के बारे में अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक जो इसका AS4NG वेरिएंट होगा वो जहाँ तो हाइपर सुपरसोनिक होगा, यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो 3 मैक से ज़्यादा होगी, और 4 मैक से लेकर 5 मैक तक होगी,
और जहाँ इसका हाइपरसोनिक वेरिएंट डेवलप किया जाएगा जो कि 5 Mach से ज़्यादा रफ्तार वाला होगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ को इंक्रीज करने के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि इसका जो नया वेरिएंट आएगा जो कि F4 वेरिएंट होगा, उसमें इसकी स्टेल्थ को भी इंक्रीज करने के ऊपर काम किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।